हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, इंडियन मार्केट में रिसेंटली हमें मोटरोला की तरफ से मोटो एस 15 नियो स्मार्टफोन देखने को मिला है, जिसकी प्राइस आपको 23,000 रुपीज़ देखने को मिल जाती है। और इंडियन मार्केट के अंदर सेम प्राइस के अंदर इन्फिनिक्स भी काफ़ी जल्द इन्फिनिक्स 040 5G को लॉन्च करने वाला है, और ये भी स्मार्टफोन गाइज काफ़ी बढ़िया फीचर्स कैरी करेगा। और आज की इस वीडियो में दोनों स्मार्टफोन का डिटेल में कंपेरिजन करेंगे। लेट्स सी दोनों स्मार्टफोन में आपको क्या कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। बट वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, एंड ऑफकोर्स गाइस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की बात करें तो डिजाइन देखो गाइस दोनों स्मार्टफोन का काफी सही देखने को मिल जाता है, बट ज्यादा प्रीमियम डिजाइन आपको मोटो एस 15 नियो स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। बाकी इन्फिनिक्स 040 5G स्मार्टफोन में IP54 रेटिंग दी गई है, लेकिन आपको मोटो एस 15 नियो स्मार्टफोन के साथ IP68 रेटिंग देखने को मिलेगी। और दोनों स्मार्टफोन में प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिल जाता है। मोटो एस 15 नियो स्मार्टफोन में आपको बैक साइड पे वीगन लेदर टेक्सचर देखने को मिल जाएगा, और इन्फिनिक्स 040 5G स्मार्टफोन में आपको ग्लास बैक मिलने वाली है। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो गाइस दोनों स्मार्टफोन में आपको डिस्प्ले भी काफी सही देखने को मिल जाएगी। इन्फिनिक्स 040 5G स्मार्टफोन में 6.78 इंचेस का एक फुल HD प्लस कर्व्ड एमोलेड पैनल आता है, जहां पर आपको 10 बिट कलर्स HDR 10 प्लस का सपोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन मोटो एस 15 न्यू स्मार्टफोन में 6.4 इंचेस का एक फुल HD प्लस फ्लैट एमोलेड पैनल दिया गया है, जो कि कॉम्पैक्ट डिस्प्ले रहती है, और यहां पर भी आपको 10 बिट कलर्स HDR 10 प्लस का सपोर्ट देखने को मिलेगा। बाकी गाइस इन्फिनिक्स 040 5G स्मार्टफोन में 144 हर्ट्ज की हायर स्क्रीन रिफ्रेश रेट और 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, लेकिन मोटो एस 15 नियो स्मार्टफोन में आपको 120 हर्ट्ज की हायर स्क्रीन रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो गाइस मोटो एस 15 नियो स्मार्टफोन में आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो कि 4nm फैब्रिकेशन पर आता है, और यहां पर आपको LPDDR4X रैम UFS 2.2 स्टोरेज देखने को मिलेगी। और एंटू स्कोर्स की बात करें तो यहां पर आपको 7.5 लाख के अराउंड स्कोर्स देखने को मिल जाएंगे। बट फ्रेंड्स, इन्फिनिक्स 040 5G स्मार्टफोन की बात करें तो यहां पर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 अल्टीमेट चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि फ्रेंड्स डेफिनेटली ओवरक्लॉक्ड वर्जन रहता है, और यहां पर आपको एंटू स्कोर्स 9 लाख के आसपास देखने को मिलेंगे। तो परफॉर्मेंस आपको काफी बढ़िया यहां पर देखने को मिल जाएगी, और इसमें भी आपको LPDDR5 रैम UFS 3.1 स्टोरेज देखने को मिलने वाली है। लेकिन दोनों स्मार्टफोन आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पर देखने को मिलेंगे, और इन्फिनिक्स 040 5G स्मार्टफोन में आपको 2 साल के मेजर OS अपडेट देखने को मिलेंगे, लेकिन मोटोरोला ने क्लेम किया है कि आपको 5 साल के मेजर OS अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट मोटो एस 15 न्यू स्मार्टफोन में काफ़ी क्रेजी होने वाला है, और यहाँ पर आपको स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। कैमरा के बारे में बात करें तो इन्फिनिक्स 040 5G स्मार्टफोन में रियर साइड पे आपको 108 मेगापिक्सल का OIS मेन कैमरा देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर दिया गया है, और थर्ड आपको 2MP का यूजलेस सेंसर देखने को मिल जाएगा। लेकिन रियर साइड पर आपको 4K 60fps वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी मिलेगा। फ्रंट की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का सेंटर पंचोल सेल्फी कैमरा दिया गया है, और यहाँ पर आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन मोटो एस 15 नियो स्मार्टफोन की बात करें तो यहां पर आपको रियर साइड पे ट्रिपल कैमरा का ही सेटअप देखने को मिलेगा, और इसमें गाइस 50 मेगापिक्सल का सोनी ALYT 700C मेन सेंसर दिया गया है, जो कि काफी बढ़िया सेंसर रहता है। कैमरा क्वालिटी आपको ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा, और यहां पर 13MP का अल्ट्रावाइड सेंसर देखने को मिल जाता है, और आपको 10MP का टेलीफोटो लेंस भी देखने को मिलेगा, जहां पर 2x ऑप्टिकल जूम का सपोर्ट भी दिया गया है। तो कैमराज डेफिनेटली आपको मोटो एस 15 न्यू स्मार्टफोन में काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएंगे, और स्मार्टफोन के रियर कैमरा से आप 4K 30fps वीडियो शूट कर पाओगे। लेकिन फ्रंट पे 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया गया है, और यहाँ पर भी आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, बैटरी डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो इन्फिनिक्स 040 5G स्मार्टफोन में आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, और इसे चार्ज करने के लिए 45W की वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, लेकिन स्मार्टफोन के साथ 20W की वायरलेस फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। बट इसके अगेंस्ट आपको मोटो एस 15 नियो स्मार्टफोन में 4300mAh की डिसेंट बैटरी देखने को मिलेगी। तो बैटरी बैकअप डेफिनेटली इन्फिनिक्स 040 5G स्मार्टफोन में ज़्यादा बेटर मिलेगा, लेकिन फ्रेंड्स मोटो एस 15 नियो स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए आपको 68W की वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, और इसे चार्ज करने के लिए आपको 15W की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। सो डेफिनेटली चार्जिंग स्पीड आपको मोटो एस 15 नियो स्मार्टफोन में बेटर मिलेगी, बट बैटरी बैकअप इन्फिनिक्स 040 5G स्मार्टफोन
स्मार्टफोन में बेटर रहने वाला है। सो फिलहाल दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी दोनों स्मार्टफोन के रिगार्डिंग। बाकी कंक्लूजन के बारे में बात करें तो गाइज मोटो एस 50 न्यू स्मार्टफोन काफी बढ़िया फीचर्स कैरी करता है, वैल्यू बढ़िया देखने को मिल जाएगी, लेकिन फ्रेंड्स आपको परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर चाहिए, बैटरी बैकअप भी आपको बढ़िया चाहिए, तो डेफिनेटली गाइज इन्फिनिक्स जीरो 45G स्मार्टफोन ग्रेट ऑप्शन रहता है। सो फिलहाल दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी दोनों स्मार्टफोन के रिगार्डिंग। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड ऑफकोर्स गाइज चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।